हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रीट ऑफ स्वीट क्रिएशन। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ व्रत वाले केले के चिप्स। ये चिप्स कच्चे केले से बनाए जाते हैं, बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जब हम अपने हाथों से बनाते हैं और वो जो परफेक्ट रेसिपी बनती है तो कितनी खुशी होती है, और घर वालों को भी जब टेस्ट अच्छा लगता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमें भी चिप्स की आवाज़ से ही समझ आ रहा है ना कितने क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने घी को गर्म कर लिया है। यहाँ पर कढ़ाई को गर्म करके रखना है क्योंकि हाई फ्लेम पर ही केले के चिप्स को तलेंगे। चिप्स या वेपर्स बनाने के लिए तो केले लगेंगे ही, तो सबसे पहले केलों को छील लेते हैं। कच्चे केले के छिकल थोड़ा सा हार्ड होते हैं तो इन्हें छीलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पके केले सॉफ्ट होते हैं ना, तो अभी हम सारे केलों को छील करके रख लेंगे। अब इन्हें पानी में डुबोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जल्दी से फटाफट केलों को छील लेंगे। यह रेसिपी व्रत में और जब व्रत ना भी हो तो भी बना करके खाई जा सकती। केले के वेपर्स को एयरटाइट कंटेनर में या फिर पॉलिथीन में जिपलॉक बैग में रख करके स्टोर किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी होते हैं, महीने भर स्टोर किया जा सकता है। पर मैंने तो चिप्स बनाकर रखे और बच्चों ने सारे ही ख़त्म कर दिए क्योंकि बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगे थे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने व्रत वाले कच्चे केले की रेसिपी बनाई है, आप भी ज़रूर इसे घर पे बनाइए, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। कोई क्वांटिटी या मेजरमेंट नहीं है, आप कितने भी केले के चिप्स बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 12 केले लिए हैं, उन्हीं के चिप्स बनाए हैं। अब एक स्लाइसर लेना है और उस पर केले के चिप्स बना लेंगे। केले के चिप्स बिल्कुल पतले बनाने हैं, या तो आप सरफेस पर बना लीजिए या फिर जो घी की कढ़ाई गर्म करी थी एकदम उसमें डायरेक्ट भी स्लाइस कर सकते हैं। कढ़ाई में चिप्स बहुत ही सावधानी से स्लाइस करनी है क्योंकि केले भी बाहर निकलेंगे और ऑयल या घी भी कढ़ाई से बाहर निकलेगा और छींटे हम पर आ सकते हैं। स्लाइसर से एक ही केला स्लाइस करके कढ़ाई में डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो ये केले आपस में चिपकेंगे। और चम्मच की सहायता से लगातार चलाते रहें। अभी मैंने क्या किया है, थोड़ा सा एक कटोरी में पानी ले लिया है और उसमें व्रत वाला नमक डाला है, ये 1 टीस्पून नमक है। इसका घोल बना के रख लेंगे। जब केले के चिप्स हल्के एक साइड से थोड़े से हार्ड हो जाएं, तो तैयार घोल को हम धीरे धीरे कर करके कढ़ाई में डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून ही घोल पानी का और नमक का घोल डाला है। फिर केलों को चलाते रहेंगे और ध्यान रखना है केलों का हल्का सा ही कलर चेंज होगा और हमें इसे निकाल लेना है, नहीं तो केले तुरंत जल जाएंगे। अभी एक केले के चिप्स निकाल करके आप देख लें कि वह क्रिस्पी है कि नहीं। अगर वह क्रिस्पी बनती है तो सभी केलों को बाहर कढ़ाई से निकाल लें, नहीं तो लो फ्लेम पर थोड़ा सा और पकने दें। लेकिन ध्यान रहे कि इनका कलर ज़्यादा चेंज नहीं होना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है। जब वेपर्स बन जाएं तो सारे के सारे घी से केले बाहर निकाल लेंगे। और आप ये देखिए कितने क्रिस्पी बनाना चिप्स बनकर के तैयार हैं और ऑयल भी नहीं है इनमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।